मर्डर के बारे में आज सुबह ही पता चला है। पहले हम तफ्तीश कर लें, उसके बाद आप लोगों को बता देंगे। इज दैट क्लियर? क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने वाले थे। तो ये कत्ल किसने किया? मतलब ये कि जिस रात ये कत्ल हुआ, तुम उस लड़के के साथ थी। आप मुझ पर शक कर रही हैं? शक करना तो मेरा पेशा है। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, मैं खुद को भी शक के दायरे में ही रखती हूं। मोनिका, प्लीज, दैट जीत इज नॉट राइट फॉर यू। वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं जानता हूं उसे। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं तुम जानती हो। मैं तुम्हें कितना खुश रख सकता हूं ये तुम जानती हो। प्लीज डोंट मेक दिस रॉन्ग चॉइस। मेरी बेटी है संजना। ओह आई सी। बिल मां की बेटी है। उसकी हर जिद मैंने पूरी की है, इसलिए थोड़ी जिद्दी हो गई है। वैसे मन की बड़ी भोली और साफ है। तो यंग मैन, यू कैन शिफ्ट जब तुम चाहो। ये चाबी। थैंक यू सर। थैंक यू। हाय, तुम यहां क्या कर रही हो? घर में कोई नया गेस्ट आया है। कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? प्लीज संजना, तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, फेवर की क्या बात है, बोलो। अरे जाके पता करो ना कि वो कौन है। बस हाय, आई एम राधिका। विकी। मैं संजना की दोस्त हूँ और मैं उसका नया किरायेदार। व्हाट डू यू डू? आई मीन आप काम क्या करते हैं? हेल्थ क्लब में मैनेजर हूँ। पुणे से आया हूँ। और आप? मैं एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे अचानक? वो एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आ गया। एक्सक्यूज मी। जनाब का नाम विकी है, वो पुणे से आए हैं और यहाँ के हेल्थ क्लब में इंस्ट्रक्टर हैं। मगर संजना, एक बहुत ही अच्छी बात है। क्या? संजना, ही इज सो हैंडसम गाय। राधिका, तुम्हारा कोई भाई नहीं है ना? सो स्वीट। सॉरी। तो पापा ने तुम्हें मेरी जासूसी के लिए यहाँ रखा है? तुम्हारी जासूसी? मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए रखा होगा ताकि उनकी एब्सेंस में तुम मुझ पर नजर रख सको। अगर पार्ट टाइम जॉब में इंटरेस्टेड हो तो मैं अपने डैड से बात कर सकती हूँ। टेक योर ओन टाइम। संजना, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए? नॉक तो मैंने किया था मगर तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तो मैं क्या करूं?
संजना, ये लड़की भी ना पागल है। संजना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है नॉक करके आया करो। मैं हर बार नॉक करके आती हूँ पर तुम सुनते ही नहीं, तो मेरा क्या कसूर? क्यों आई हो? थैंक यू। पर ये गिफ्ट? पता है विकी, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे डैडी नहीं चाहते कि मैं किसी से दोस्ती करूं, किसी से मिलूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में बहुत पोसेसिव है। एक आम लड़की की तरह मैं भी चाहती हूं कि मैं दोस्त बनाऊं, घूमूं फिरूं। पर वो नहीं हो सकता। विकी, गाड़ी साइड में रोकना प्लीज। एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास बैठी है और तुम पता नहीं कहां खोए हुए हो। एक खूबसूरत लड़की जो सिर्फ मेरी दोस्त है और मैं दोस्ती की हद समझता हूं। विकी, तुम्हें नहीं लगता कि मैं आग हूं और किसी भी पत्थर को पिघला सकती हूं? मेरी बात को मत टालो विकी, मैं कभी मजाक नहीं करती। संजना, कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो पिघलते नहीं। विकी? सर, आप? तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे? वो मैं बुक लौटाने आया था। बुक तो सवेरे भी लौटाई जा सकती थी। डैड, मैंने ही नहीं बुलाया था। लेकिन बेटा। डैड, मेरे पास कोई बुक नहीं थी रात में पढ़ने के लिए। मैं भी यही कह रहा था कि मैं सुबह लौटा सकता था। हाय। हाय। क्या हुआ? Why are you looking so sad? संजना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Stop it. कहो। वो कल रात हमारे बीच जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। हमें अपनी दोस्ती की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। वो दोस्ती नहीं, प्यार था विकी। वो प्यार नहीं, सिर्फ हवस थी। एक हवस की आंधी आई और हम अपने आप को रोक नहीं सके। मैं मानती हूं कि हमारी तुम्हारी मुलाकात एक दोस्ती से शुरू हुई, पर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और कल रात से वो प्यार और गहरा होता चला गया विकी। विकी, अल्लाह हाफिज़। But I don't. Try to understand, Sanjana. But why don't you try to understand me? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। जिंदगी में पहली बार मैंने खुशी का एहसास किया है और ये खुशियां मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। अब तुम सिर्फ मेरे हो और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। समझे? बट वॉच मी मैरी प्लीज। ओके। विकी, विकी, आई कांट बिलीव इट्स यू। Monica? Come on! Can't believe it's you! I just can't! What a pleasant surprise, yeah? Let's celebrate! Okay, fine, okay. Go!
कैसी लगी जगह? It's a beautiful place, यार. तुम से beautiful नहीं है. Hi, Sanjana. Meet my friend, Monica. Hi, Sanjana. Nice to meet you. क्या बात है? मुझे देख के तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो मोनिका घर देखना चाहती थी, मैं उसे ले आया. तब कॉलेज से निकलने के बाद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा प्यार ठुकराकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी. गलती? पर जीत तो तुमसे बहुत प्यार करता था. हाँ, ये गलतफहमी मुझे भी हुई थी. गलतफहमी? शादी की पहली रात ही मेरे सारे अरमान बिखर गए, मेरे सारे सपने टूट गए. एक आंधी आई और सब कुछ उड़ा ले गई. मोनिका, कहाँ थे तुम इतनी देर? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पता है? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज. तुमने शराब पी है क्या? क्या करूं, इस मदहोश कर देने वाली जवानी का नशा मैं होश में तो नहीं ले सकता ना. I love you, जीत. मुझे छोड़ दो प्लीज. छोड़ दो? आज कैसे छोड़ दूं? आज तो हमारी सुहागरात है. तुम्हें पता है मोनिका, मैं नामर्द हूं. आई एम इम्पोर्टेंट. उस तबाही के निशान अब भी मेरे शरीर पर मौजूद है. मेरा प्यार वो सब निशान मिटा देगा मोनिका. विकी, तुम अब भी? हाँ मोनिका, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है और वो तुम हो. ये जानते हुए भी कि मेरी जिंदगी में जीत. बुरे सपने बार बार याद नहीं करते, उन्हें भूल जाना चाहिए. हमारी बेटी का दिल दुखाया ना किसी ने? डैड, आज बहुत खुश होगे ना तुम? पुरानी दोस्त जो मिली है तुम्हें? यस. बहुत अच्छी दोस्त थी तुम्हारी कॉलेज में. हाँ संजना, दरअसल मैं मोनिका से प्यार करता था. और वो? वो जीत से प्यार करती थी. विकी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ. हमारे बीच बात करने जैसी कोई बात ही नहीं बची. क्यों विकी? हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं. हालात बनाना इंसान के हाथ में नहीं होता. अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसे हालात बनाती कि तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाते. संजना प्लीज, अब इन बातों की कोई गुंजाइश ही नहीं बची. मैं और मोनिका शादी करने वाले हैं. तुम ऐसा नहीं कर सकते विकी. विकी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज. तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी जहर बन जाएगी, मैं जी नहीं पाऊंगी. तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ. तुमसे दूर होने के बाद से ही मैं कांप जाती हूँ. संजना, तुम्हारी बातों से मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मुझे भूल जाओ बस.
तो आप पे जानलेवा हमला हुआ। पता नहीं इंस्पेक्टर, कौन मेरी जान के पीछे पड़ा है। अगर आप चाहें तो हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। नो थैंक्स, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। वैसे आपको किसी पे शक है? नहीं इंस्पेक्टर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ओके, यू टेक केयर मिस मोनिका, मैं आपका बयान कल लूंगी। थैंक यू। मिस्टर विक्की, आप मेरे साथ चलिए। जी। आखिर कौन हो सकता है? अच्छा हुआ विक्की टाइम पर पहुंच गया, वरना। पर तुमने इतने दुश्मन क्यों बना रखे हैं मोनिका? मुझे तो तुम्हारे सिवा और कोई दुश्मन नजर नहीं आता संजना। What do you mean? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जान के पीछे पड़ी हूँ? संजना, मैंने भी दुनिया देखी है। 9 साल से अकेली रह रही हूँ मैं। इंसान को समझने की ताकत है मुझ में। तुम मुझे गलत समझ रही हो मोनिका। मैं भला तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूँगी? तुम विक्की से प्यार करती हो और मैं तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हूँ। मोनिका, कूल कांटों की परवाह मैं नहीं करती। और रही विक्की को पाने की बात, विक्की तो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, पर देखना शादी तो वो मुझसे ही करेगा। वो पागल है, उसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है विक्की, मुझे उसकी हरकतों में वहशीपन नजर आता है। पर अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं। ये सब क्या है संजना? प्यार? ये प्यार नहीं, पागलपन है, दीवानापन। पागल हो गई हो तुम। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। विक्की, तुम्हारे प्यार में विक्की, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। संजना, संजना अंदर चलो, बीमार हो जाओगी। क्या फर्क पड़ता है विक्की, मैं बीमार पड़ूं या मर जाऊं? विक्की, मेरी जिंदगी में बस तुम हो और तुम ही रहोगे। मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है और मेरे दिल को तुम्हारी जरूरत है। I love you, Vicky. I love you. Huh? Monica? Monica? Sanjana, ठीक कहती थी। क्या? यही कि तुम उससे भी प्यार करते हो और तुमने उससे भी बड़े बड़े वादे किए हैं। ये कहा उसने? हाँ, उसका फोन आया था। उसने कहा कि अगर मुझे सबूत चाहिए तो मैं उसके घर आऊं और अगर मुझे वहां आने में जरा सी भी देर हो जाती तो ना जाने मैं तुम दोनों को किस हालत में देखती। मुझे शर्म आती है अपने आप पर। I hate you, Vicky. I hate you for doing this to me. I hate you, Vicky. अब आप दोनों कानूनी तौर से पति पत्नी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। पर डेस्टिनी, उसने तो खेला है, पर मुझे इस हार का बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है। कभी कभी इंसान हारकर भी जीत जाता है,
कृष्णा और राधा की शादी कभी नहीं हो पाई, पर हमारे शास्त्र में कृष्णा के साथ राधा का ही नाम लेते हैं। दिल छोटा मत करो संजना। मोनिका, विकी हमेशा तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मॉर्निंग डार्लिंग। ये कमबख्त सुबह क्यों आ गई? सच मोनिका, तुम्हारे साथ ऐसा लग रहा था कि रात के लम्हे रुक जाए और हम ऐसे लेटे रहे। कम ऑन। तुम? मोनिका नहीं, संजना। मोनिका कहाँ है? तुम्हारी आदत बहुत खराब है विकी, जो सामने है उसे छोड़कर उसकी बात करते हो जो नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ मोनिका कहाँ है? क्यों, तुम्हें मोनिका की याद क्यों आ रही है विकी? क्योंकि वो मेरी वाइफ है। तुमने तो मेरे साथ सुहागरात मनाई है विकी। क्या बकवास कर रही हो तुम? विकी, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। ऐसा मत करो विकी। पर उसके सिर पर हवस और वासना का भूत सवार था। ये झूठ है इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर, आप मेरी बात मानिए। ये बहुत चालाक औरत है, ये बहुत खतरनाक औरत है इंस्पेक्टर। मिस्टर विकी, अपने आप पे काबू रखिए, मैं आपकी बात भी जरूर सुनूंगी। मुझे छोड़ दो संजना। तू मुझे जानती नहीं, मुझे जो चीज पसंद आ जाए वो अगर मुझे ना मिले तो तो ऐसी ही एक गलती राधिका ने भी की थी। मैं अमोल से बहुत प्यार करती थी, पर उस राधिका ने अमोल को मुझसे छीन लिया। करने का वक्त नहीं है विकी, जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और विकी को बचाओ, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा बयान ही विकी को बचा सकता है। मैडम, संजना का कहीं पता नहीं चल रहा है। तलाश जारी रखो और जैसे संजना मिले तुम्हें उसे गोली मार दो। नहीं नहीं मैडम, प्लीज प्लीज, मैं बताता हूं, इंस्पेक्टर, मैं बताता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, बहुत। Oh,
देखो कैसे चुपचाप बैठी है। लेकिन ये तो फंस गई ना, अब जाएगी 7-8 साल के लिए अंदर। नहीं तो पागल खाने। कौन है? संजना प्लीज हमारी जिंदगी से चली जाओ। मैं और विक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम जानती हो। मैंने अपनी मांग में उसका सिंदूर भरा है, मेरा मंगलसूत्र। प्लीज चली जाओ, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। संजना, 2 रुपए का लाल रंग भरने से किसी का किसी पर हक नहीं बनता। विक्की मेरा प्यार है, मेरे खून का कतरा कतरा विक्की विक्की कहकर पुकारता है। जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी नरक बन गई है। अब तो या तो तू जिंदा रहेगी या मैं। विकी, मोनिका कहाँ है? हमारे बीच में कोई नहीं है विकी। कहाँ है मोनिका? विकी, विकी, मोनिका हमारी जिंदगी में नहीं रही। विकी, मोनिका, मैंने उसे मार दिया। विकी, मोनिका को मारा? मेरी मोनिका को मारा तूने? मोनिका को मारा? विकी, विकी, तुमने मुझे मारा। विकी, यही थी विकी, जिसने तुम्हारे प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया। विकी, जो तुम्हें इतना प्यार करती है। मोनिका, मैं आ रहा हूँ। मोनिका, 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 ला, हाथ दो, हाथ दो। मोनिका, मोनिका, जाओ मत। मोनिका, मोनिका,